ट्रांसमिशन यानी किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कार के ट्रांसमिशन सिस्टम की। ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हम गेयरबॉक्स भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार का, जो इंजन की पावर व्हील्स तक पहुँचाने में मदद करता है। जनरली इंजन 1500 से 3000 RPM पर एफिशिएंटली चलता है। पहले हम समझते हैं कि हमें गेयरबॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इमेजिन करो कि आप कार फर्स्ट गियर पे चला रहे हो। कार को एक्सेलरेट करने पर इंजन आवाज़ करना शुरू करेगा, क्योंकि उसने अपने ऑपरेटिंग RPM को क्रॉस किया है, जो कि यूजुअली 1500 से 3000 के बीच में होता है। अगर आपको 80 से 90 किलोमीटर पर आर के स्पीड से गाड़ी को चलाना है, तो आपको इंजन को 8 से 9000 RPM पर चलाना होगा, जो कि इंजन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रांसमिशन यानी गियरबॉक्स की मदद से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम ट्रांसमिशन की मदद से बिना इंजन के RPM को बढ़ाए स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ट्रांसमिशन यानी गियरबॉक्स का काम होता है इंजन की पावर को व्हील्स तक पहुंचाना। क्लच पेडल की मदद से हम इंजन और गियरबॉक्स को एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। जैसे हम क्लच पेडल प्रेस करते हैं, इंजन और गियरबॉक्स अलग होते हैं, जिसके कारण कार मूव नहीं होती, और क्लच पेडल छोड़ने पर इंजन और गियरबॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण कार चलना शुरू होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम्स मेनली 6 अलग अलग टाइप्स में आते हैं। पहले है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें क्लच पेडल देखने को मिलता है। अगर आपको फर्स्ट से सेकेंड गियर में शिफ्ट करना है, तो आपको क्लच दबा के गियर चेंज करना पड़ेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत रिलायबल और सस्ते होते हैं, और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स में आपको माइलेज भी अच्छी देखने को मिलती है। अगले है IMT ट्रांसमिशन। IMT का मतलब है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये भी बहुत हद तक मैनुअल जैसे ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको गियर चेंज खुद से ही करना पड़ता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको क्लच पेडल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक छोटा सेंसर दिया हुआ है, जो कि क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। इसमें क्लच पेडल ना होने के कारण सिटी ट्रैफिक्स में कार को चलाना आसान हो जाता है। Hyundai की कार्स IMT के मामले में बहुत पॉपुलर है। IMT ट्रांसमिशंस मैनुअल से थोड़े महंगे आते हैं। डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे होने के कारण ये भी बहुत रिलायबल और अफोर्डेबल होते हैं। AMT ट्रांसमिशन। AMT का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में 2 सेंसर्स दिए गए हैं। पहला सेंसर IMT जैसा ही है, जो क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है, और दूसरा सेंसर ये डिसाइड करता है कि गाड़ी को कौन से गियर में शिफ्ट करना है। यानी इस ट्रांसमिशन में आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका फंक्शन मैनुअल गियरबॉक्स जैसा ही है, मगर सेंसर्स यूज़ होने के कारण आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली फीलिंग आती है। AMT ट्रांसमिशंस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से थोड़े सस्ते होते हैं। टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है AMT ट्रांसमिशन कार्स के। अगले है टॉर्क कन्वर्टर्स। टॉर्क कन्वर्टर्स फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के कैटेगरी में आते हैं। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ किया गया है, जो कि इंजन के फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट होता है। टॉर्क कन्वर्टर्स ये प्योर फॉर्म है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स का। जैसे ही हम कार के स्पीड को इंक्रीज करते हैं, इसके गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ होते हैं। बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर चेंज करने की फीलिंग महसूस होती है, वो टॉर्क कन्वर्टर में हमें महसूस नहीं होती। प्राइस के मामले में टॉर्क कन्वर्टर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन से ये करीब करीब 1 से 1.5 लाख महंगे होते हैं। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा हाई होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने के कारण सिटी ट्रैफिक्स में इन कार को चलाना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशंस, जिन्हें हम DCT भी कहते हैं। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में एक की जगह 2 क्लच यूज़ किए जाते हैं। पहला क्लच फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ गियर के साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा क्लच सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और रिवर्स गियर के साथ कनेक्टेड होता है। 2 क्लच होने के कारण इसमें गियर शिफ्ट बहुत तेजी से होता है। जैसे ही कार की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, इसमें लगे सेंसर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमें क्लच पेडल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन 2 टाइप्स में आते हैं। पहले है फुल्ली ऑटोमेटेड, यानी जिसमें आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरे है सेमी ऑटोमेटेड, यानी स्टेयरिंग के पीछे लगे हुए पैडल शिफ्टर की मदद से आप गियर चेंज कर सकते हैं। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के कैटेगरी में आते हैं। Hyundai i20, Kia Seltos, ये कुछ कार्स है जो ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। लास्ट में है CVT ट्रांसमिशंस। CVT का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसका मैकेनिज्म बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम से बहुत ही अलग है। इसमें बेल्ट और पुलिस का यूज़ किया गया है, इसलिए हमें सबसे स्मूथ राइड CVT ट्रांसमिशन के कार्स में मिलती है। इसमें हमें गियर चेंज होने का एहसास भी नहीं होता।
सीवीटी ट्रांसमिशन मार्केट में थोड़े नए हैं, इसलिए इनके रिलायबिलिटी में थोड़े इश्यूज आते हैं। सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम्स में कार के पिकअप में हमें थोड़ा लैग भी देखने को मिलता है। प्राइस के साथ साथ इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है। होंडा सिटी एक क्लासिक एग्जाम्पल है सीवीटी ट्रांसमिशन का। आई होप आपको अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।